हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजार एक्सप्लोरर। बाजार एक्सप्लोरर में हम आ गए हैं आज 350 साल पुराने नौचन्नी मेले मेरठ में। तो आज हम अपने ब्लॉग की शुरुआत करेंगे शंभुदास गेट से, और यहां से चलेंगे आपको बाजार कराएंगे आज यहां का एक्सप्लोर, और दिखाएंगे आपको नौचन्नी की रौनक। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बाजार के अंदर। कहाँ से आए उनसे भी बात करेंगे, तो चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस, ये है यहाँ का शंभुदास गेट, यहाँ से एंट्री करेंगे हम अंदर, चलते रहें। यहाँ से स्टार्ट होता है अपना ये फोटो स्टूडियो। तो भैया यहाँ पर जो है आप फोटो खिंचवा सकते हैं, आपको 30 रुपये कॉपी है। भैया कहाँ से आए आप? रामपुर से आए जी। एक कॉपी कितने की है? 30 रुपये। ये 30 रुपये में एक कॉपी कितने देर में मिल जाती है? अभी 5 मिनट में। 5 मिनट में? देखिए, ये रामपुर से आए हुए हैं और इन्होंने पूरा अपना सेटअप लगा रखा है, डिजिटल फोटो स्टूडियो। देखिए यहाँ पर दही बड़े बन रहे हैं, गन्ने का जूस है, और देखिए यहाँ से ये अपना बाजार चालू हो जाता है खिलौनों का। चलिए इनसे बात करते हैं। भैया कितने रुपए की सेल है? 70 रुपये। 70 रुपये कहाँ से आए भाई? अलीगढ़। अलीगढ़ से आए हो? देखिए ये अलीगढ़ से आए हुए हैं और 70 रुपये हर माल इन्होंने सेल लगा रखी है। ऐसे ये भी हैं शंभुदास गेट पर अलीगढ़ वाले हैं। ये देखिए अपना ये तैयार कर रहे हैं दही बड़े। ये देखिए यहाँ आएंगे आप, खिलौने मिलेंगे सब तरह के। भैया सब अलग अलग रेट का है जी? भैया आप कहाँ से आए हो? अलीगढ़। अलीगढ़ से आए हो जी। ये भी भैया अलीगढ़ से आए हुए हैं, और देखिए यहाँ पर ये सारे, आप हाथरस से हो? चलिए हाथरस से। और देखिए यहाँ पर एक से एक खिलौने मिल जाएंगे आपको बच्चों के लिए, तो आइए मेले के अंदर। तो भैया यहाँ पर ये देखिए केरिंग बेचते हैं। भैया कहाँ से आए हो आप? अलीगढ़। आप भी अलीगढ़ से हो? अच्छा, सब यहाँ अलीगढ़ से ही आए क्या? हमारी 4 दुकान है। अच्छा, तो आपका सिर्फ ये कीरिंग का है, तो उसका सबका अलग अलग रेट है? सबका अलग अलग होता है। चलिए, तो नेम वाले भी बनाते हैं आप? अच्छा, तो ये देखिए अलीगढ़ से आए हुए हैं, इनको एक से एक कीरिंग मिल जाएगा। तो भैया महंगे से महंगा कितना है और सस्ते से सस्ता कितना है? 30 रुपीज़ से 200 तक। देखिए 30 रुपीज़ से 200 तक यहाँ पर आपको हर तरह की कीरिंग मिल जाएगी। ये है फेस केयरिंग शॉप, और देखिए यहाँ पर ये इसके बराबर में आपको बल्लू की शॉप मिल जाएगी, फुटबॉल मिल जाएंगे। कहाँ से आए भाई साहब? अलीगढ़ से। देखिए अलीगढ़ से आए हुए हैं, और यहाँ आपको खेलने स्पोर्ट्स का सारा सामान मिल जाएगा इनके पास। इसके बराबर में आपको ज्वेलरी शॉप मिल जाएगी। कहाँ से आए भैया? मुजफ्फरनगर से। अच्छा, ये तो आपने सेल लगा की है, सब अलग अलग रेट का है? सेल लगा रखी 100 रुपये। 100 रुपये 100 रुपीज़ जी जी। अच्छा, कोई सा भी? हाँ, कोई सा भी ले लीजिए, सब 100 रुपये। देखिए यहाँ पर ये 100 रुपीज़ में आपको सारी आइटम मिलेंगी। ये मुजफ्फरनगर से आए हैं। ये देखिए अपने खिलौने वाले भैया, चूड़ी वाले हैं, आ जाओ। देखिए यहाँ सारी दुकानें लगी हुई हैं। भैया कहाँ से आए हो भाई? कहाँ से आए? गुलावटी। ये गुलावटी से आए हैं। तो ये देखिए सारा सामान जो है, ये सब खुर्जा से आता है? सब खुर्जा का माल है ना? तो ये देखिए खुर्जा की क्रॉकरी है, बच्चों के आइटम है इसमें। ये देखिए एक से एक खिलौने मिल जाएंगे यहाँ पर। चलते हैं, ये देखिए। वैसे कहाँ से आए हैं? मुरादाबाद। ये मुरादाबाद के हैं सारी आइटम बर्तन जी? ये सब देखिए मुरादाबादी बर्तन है यहाँ पर। ये सर पीतल में है, काय में होता है ये सब? आर्टिफिशियल होता है। अच्छा, और पीतल का ये अच्छा मिक्स होता है। तो देखिए आप यहाँ पर आए और एक से एक आइटम आपको मिल जाएगी मुरादाबादी। और देखो भैया यहाँ पर ये चूड़ी वाले भी आए हुए हैं, फैंसी बैंगल स्टोर।
कहाँ से आए भैया? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से? तो सब सेल लगा रखी है आपने यहाँ? 100 रुपए की सेल है सब। तो देखिए एक से एक आइटम मिल जाएंगे यहाँ पर, कंगन मिल जाएगा, चूड़ा मिल जाएगा। टेडी बियर है यहाँ पर, भाई सब कहाँ से आए हो आप? ये लोकल के, लोकल के हैं। सब अलग अलग रेट का है। देखिए यहाँ पर ये निशान लगाए आप, कहाँ से आए हो भैया? पांचली से आए। पांचली से? कितने रुपए का है ये? 30 रुपए की 10 गोली है। ये 30 रुपए की 10 गोली है। और मेले में आओ और यहाँ पर निशाना लगाओ। तो गाइस हम आ गए आप जो राजकोट ज्वेलरी पर। यहाँ पर आपको हर वैरायटी 150 रुपये मिलेगी। यहाँ ऊंची एक हार है, कहाँ से आए भैया? बहराइच। ये बहराइच से आए हुए हैं। और देखिए हर माल 150 रुपये, तो सब माल इन्होंने 150 रुपये लगा रखा है। देखिए यहाँ भैया कहाँ से आए हो? बधाइयों से। हर माल 70 रुपये, हर माल ये 70 रुपये की सेल लगा रखी है इन्होंने। और बच्चों के खिलौने मिल जाएंगे आपको 70 रुपये में। और भैया थक गए हो तो यहाँ पर आपको छोले भटूरे भी खाने को मिल जाएंगे 30 रुपये के 2। देखिए इस साइड में सब 30 रुपये में इन्होंने छोले भटूरे की वो लगा रखा है। देखिए यहाँ पर आपको भाई सब कहाँ से आए? ये सहारनपुर की आइटम मिलेगी आपको यहाँ पर सारी। ये आए हैं सुबह वाले, कहाँ से आएंगे? कहाँ से आए हो? फलाउदे से। फलाउदे से? तो ये फलाउदे से सुरमा है या सुरमा दानिया खाली? सुरमा सुरमा दानी। सुरमा सुरमा दानी। और सुरमा कहाँ का है? फलाउदे वालों का। फलाउदे वाले का? अच्छा, बरेली वालों का नहीं है? नहीं। चलो ये फलाउदे वाले का अपना सुरमा है। और यहाँ एक से एक सुरमा दानी मिल जाएगी आपको। भैया सेल लगा रखी है, अलग अलग रेट है, सब अलग अलग रेट है। कहाँ से आए हो? ये मुजफ्फरनगर से आए हैं। देखिए एक से एक खिलौने मिलेंगे आपको यहाँ पर। भैया कितने की सेल है? 70 रुपये में। कहाँ से आए हो? खतौली से। ये देखिए खतौली से आए हुए हैं और यहाँ पर आपको 70 रुपये में खिलौने की सेल मिल जाएगी। भैया सेल लगा रखी है ऐसी, सब अलग अलग रेट है, सब अलग रेट। कहाँ से आए हो? कांदला से। ये देखिए कांदला से आए हैं और एक से एक खिलौने मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, चाइनीज खिलौने। फरारी ने? फरारी की गाड़ी? फरारी की कितने की भी है? 650। ये 650 रुपये की। अब तो दूसरे पॉइंट पर आ गया। ये चला के दिखाना जरा, ये कितने का है? 350 रुपये। ये 350 का? सब चाइनीज वाले हैं? नहीं, सब चाइनीज ही है। ये चाइनीज है? चलाओ इसे भी चलाओ। देखो जब देखेंगे पब्लिक, जब भी आएगी तुम्हारे पास, जब कुछ नया होगा तो वीडियो देख के आते हैं हमारे कस्टमर तुम्हारे पास। ये कितने का है? 550 रुपये का। रेट एक ही है तुम्हारा, थोड़ा कम बढ़ जाए तो कम लगाते हैं। अच्छा कम लगाते हैं, ये कम भी लगा देते हैं रेट। ये देखिए 550 रुपये बता रहे हैं। और अच्छी आइटम है नौचंदी में। चलिए बहुत नई नई चीज अभी बना नहीं रहे। अच्छा अच्छा, ये देखिए एक से एक खिलौना मिलेगा आपको यहाँ पर। ये कितने की गुड़िया? 600 रुपये। ये 600 रुपये की? 500 रुपये की लगेगी लास्ट। अच्छा ये 500 रुपये की पड़ेगी। तो देखिए तो भैया आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक से एक खिलौने मिलेंगे आपको चाइनीज। और देखिए ये बाहर से आए हुए हैं। ये देखिए 500 रुपये में गुड्डा मिल जाएगा चाबी वाला। डांसिंग
ये सब 10 रुपए में आइटम है। भैया कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? बागपत से। सब 10 रुपए में सारी आइटम यहाँ 10 रुपए मिलेंगी आपको। देखिए यहाँ चूड़ियों की दुकान लगी हुई है। सर जी कहाँ से आए? कहाँ से आए सर? हम तो यहीं के रहने वाले, मेरठ के रहने वाले। तो ये अमीनगर सराय। अलीगढ़ से आए हो? अमीनगर सराय। अच्छा, अमीनगर सराय बागपत। सराय बागपत। ये देखिए यहाँ पर इनको कहाँ से आए हो? अमीनगर सराय पे सेल लगा रखी है। सब अलग अलग रेट है, सब अलग अलग रेट है, सब अलग अलग प्राइस है। कितने के आइटम है? 40। सब 40 रुपए में। ये देखिए सब 40 रुपए में खिलौने। भाई सब कितने का है? 250 रुपए। ये चाइनीज पंखा है? इंडियन है। इंडियन है, अच्छा। और ये डॉल? ये 180 रुपए के। पंखा चला के दिखाइए। लाइट है, ये लाइट वाला पंखा है। कितने का बताया आपने? 250 रुपए का लगेगा। वैसे 260 का है, 250 का लगेगा। ये 250 रुपए का पंखा है। भैया कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? मुजफ्फरनगर से हूँ सर। ये मुजफ्फरनगर से आए हुए हैं। देखिए खिलौने लेके अपने। ये क्या अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है या लेके ही आते हैं? अच्छा, लेके ही आते हैं। तो यहाँ पर सर, यहाँ पर एक से एक क्रॉकरी मिल जाएगी आपको। अब हम चलते हैं क्रॉकरी बाजार में। आ जाओ भैया, कहाँ से आए हो? खुर्जा से। ये सारी आइटम खुर्जा की? जयपुर का है। ये जयपुर का है, ये आइटम सब जयपुर का है। ये सब अलग अलग रेट का है। कितने कितने का हिसाब किताब है? 450 के 600। अच्छा, 200 का है, 120 रुपये का। सेट कितने का है? सेट पड़ेगा आपको 2100 रुपये का। 2100 रुपये का। देखिए ये खुर्जा से आए हैं और देखिए ये आइटम जो है सब, ये कहाँ का बता रहे हो आप? जयपुर। ये सब जयपुर में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है? ये सब जयपुर में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। पत्थर वाला, अच्छा। ये देखिए पत्थर वाला आइटम है। और ये देखिए क्रॉकरी वाले हैं, अपने आए हुए हैं बाहर से। भाई भाई कितने के गिलास हैं? 120 के 6। आप भी खुर्जा से आए हो? और ये सब माल कहाँ का है? चाइना। ये चाइना का है सब? चाइना होता है सब। ये सब चाइना का होता है? अच्छा, ये चाइना का आइटम है। वो फिरोजाबाद का? ये फिरोजाबाद का है। तो ये आगे जो लग रहा है, ये फिरोजाबाद का है। ये कितने का है? 6। ये 150 रुपये के 6। एक से एक आइटम मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। ये चाइनीज में यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर नौचंदी वेले में अगर आप आए थे तो। देखिए कितनी भीड़ लग रही है यहाँ पर। ये है आयन क्रॉकरी, देखते हैं यहाँ पर। यहाँ भी आपको एक से एक वैरायटी मिल जाएगी। भैया कहीं में? ये फाइबर में सब जितने आइटम लग रही है, ये सब फाइबर में है। भैया कहाँ से आए आप? बुलंदशहर। बुलंदशहर में तो सेल लगी हुई है या अलग अलग? अलग अलग वेरायटी, सब अलग अलग वेरायटी। अच्छा, देखिए वो अलग अलग वेरायटी है, उन्होंने सेल भी लगा रखी है आगे। ये 100 रुपये की 4 हैं। देखिए ये 100 रुपये की 4 हैं कटोरियाँ। एक से एक वैरायटी है यहाँ पर। देखिए एक से एक क्रॉकरी मिल जाएगी आपको यहाँ। तो गाइस हम अब आए हैं क्रॉकरी बाजार में। यहाँ एक से एक क्रॉकरी मिलेंगी आपको, फाइबर क्रॉकरी में। भैया कितने का है सेट? ये 1600 रुपये का। फाइबर में? कहाँ में? फाइबर में। आप कहाँ से आए भैया? बुलंदशहर से। तो देखिए बुलंदशहर से आए हुए हैं और यहाँ पर आपको एक से एक क्रॉकरी मिल जाएगी। सब फाइबर में ही आपके पास? देखिए तो भैया ये बताओ पहले आप आए कहाँ से हो? बुलंदशहर से आए हो। तो ये कितने का एक पीस है? ये सब 50-50 वाले हैं? ये भी 50 का है? ये सब फाइबर में? तो देखिए ये फाइबर के आइटम है सब। और ये छोटी वाली कटोरी 20।
ये 20 रुपए के, ये सब 20-20 वाली है। ये 10 रुपए के, ये देखिए ये 10 रुपए में है, और ये 10 रुपए से स्टार्ट है यहाँ पर आइटम, और आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी। देखिए, और ये देखिए 30 रुपए में बाउल मिल जाएगा आपको, सब फाइबर के आइटम है। और देखिए क्रॉकरी पे कैसी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, ब्लाल क्रॉकरी हाउस। देखिए एक से कांच में है भैया, कितने की प्लेट? ये देखिए 200 रुपए की 6 है, और ये कांच। भैया कहाँ से आए हो आप? खुर्जा से। सब आइटम मतलब खुर्जा की है या कहाँ की आइटम है? हर जगह की है, जयपुर, जयपुर। चाइना की भी है? चाइना भी है। अच्छा ये चाइना है, देखिए ये गोल्डन वाला चाइना, बाकी इसमें इसमें खुर्जा की भी आइटम है। और भैया देखिए यहाँ पर ये क्रॉकरी एक से एक शॉप आई है। और देखिए अभी आ गए हम गेट के अंदर, यहाँ सिर्फ आपको क्रॉकरी मिलेगी। भैया इधर है सब? ये कहाँ से आए हो? मेरठ से ही? अच्छा, तो ये सब कहाँ, इधर कहाँ कहाँ है? खुद के बनाए हुए ये खुद के अल मसूद मेरठ में ही? अच्छा, ये देखिए अल मसूद वालों ने स्टॉल लगा रखा है अपना। और ये देखिए हम आ गए। कौन सा म्यूजिक है ये जी? आप कहाँ से आए हैं बताइए पहले। जी हम अमरोहा से आए हैं। अमरोहा से आए हो? तो ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग है या कटिंग करते हैं? कुछ बनाते हैं। कुछ बनाते हैं? बनाते क्या हैं आप ये बताइए। जैसे ये रंगीन पॉट रखते हैं वाले, ये कड़े रखते हैं हम बनाते हैं। अच्छा, ये चूड़ी रंगीन वाली चूड़ी कौन सी है ये? अच्छा, ये वुडन में है सभी? ये वुडन में? हाँ जी, पक्के कलर होते हैं इनके। अच्छा अच्छा, ये कितने का है पीस? ये 25 रुपए का एक पीस है। ये 25 रुपए का एक पीस है, छोटा वाला पीस का एक है। अच्छा, ये वुडन के अंदर होता है? हाँ, ये वुडन। अच्छा, लाख में भी आता है ऐसा है? हाँ, लाख में आता है, जयपुर का होता है। वो जयपुर का होता है? ये अमरोहा का। ये अमरोहा का आइटम है? अच्छा, ये फ्लावर पॉट है अमरोहा के। ये फ्लावर पॉट भी अपना अपने अमरोहा का ही है? अपनी है। चलिए ये देखिए, ये अमरोहा की आइटम है। और ये अमरोहा से आए आप? अमरोहा से आए हुए? देखिए अमरोहा की आपको यहाँ एक से एक वैरायटी मिल जाएगी, अपना हैंडवर्क है सब। देखिए अपना ये पूरा क्रॉकरी बाजार, पैंतीन उचंती मेला, उद्योग जिला प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र। सर जी कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से? तो ये सब आइटम दिल्ली के या जयपुर की? सारा जयपुर का है। ये सारा जयपुर का है? ये बनवाते हैं। अच्छा, ये अलग अलग रेट का सब या सेल वगैरह लगी सब? अच्छा, देखिए जयपुर की आइटम मिल जाएगी आपको यहाँ पर एक से एक चप्पल, ये दिल्ली से आए हुए हैं। यहाँ आपको जूती मिलेगी जयपुरी में सस्ते दामों में, 150-200-250। अच्छा, ये देखिए सिर्फ 150 रुपये में और 250 रुपये में, प्लेन 150 रुपये में और फैंसी 250 रुपये में। भैया कितने कितने के चल रहे हैं सूट ये? 300 एक ही दाम है? कहाँ से आए हो भैया? देखिए खुर्जा से आए हैं, सब कॉटन के अंदर है। तो ये खाली कुर्ता है या भैया खाली कुर्ते कुर्ते हैं? ये खाली कुर्ते हैं 300 रुपये में। देखिए पूरा बाजार लगा हुआ है यहाँ पर। सर जी कहाँ से आए? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से? तो आप कुर्ते पहनते हैं कॉटन के? सब 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 खादी कॉटन में? सब खादी में? अच्छा, देखिए आपको खादी कॉटन मिल जाएगा। ये किस रेट में सर? ये 600 रुपये। और ये कुर्ता? कुर्ता भाई सब 300 रुपये। कुर्ता 300 रुपये में फिक्स प्राइस है अपना है? प्राइस है। और ये शर्ट? शर्ट 250।
350। देखिए 250 रुपये में शर्ट भी मिल जाएगी आपको और 300 रुपये में कुर्ता मिल जाएगा। ये खादी वालों का कुर्ता यहाँ पर लगा हुआ है। और देखिए ये सब कॉटन के आइटम है भैया। कहाँ से आया बच्चा? है अलीगढ़। अलीगढ़ से? तो ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग है? सब अलग अलग रेट है भैया? हाँ लगभग समथिंग ही है सारे रेट। समथिंग है मतलब कितने का प्राइस है? कम से कम 300 रुपये स्टार्ट। 300 रुपये से कुर्ता? कुर्ता खाली? खाली कुर्ता। देखिए कॉटन में मिलेंगे आपको, चाहिए तो 500 से 600 रुपए की रेंज में मिल जाएगा। 500-600 रुपए की रेंज में आपको ये मिल जाएगा। ये अलीगढ़ से आए हुए हैं और आए आप यहाँ देखिए लाइट वेट में। हाँ जी कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं मेरठ से आए। मेरठ से? तो ये सब अपना मैन्युफैक्चरिंग है क्या? जी जी। अच्छा ये क्या है, काय में है? ये टॉप है, ये जॉर्जेट। टॉप तो है काय में, जॉर्जेट में। ये कितने का है? ये 150 रुपये का है। अच्छा 150 रुपये में सेल है। ये कॉटन में भी है। कॉटन में भी है? जी। ये कितने का है? ये भी 150 रुपये। ये सब 150 रुपये में सेल लगा रखी है। अच्छा और कुछ उसमें? स्कर्ट है। स्कर्ट कितने का है? ये 300 रुपये में है। 300 रुपये में? ये वेरायटी है दूसरी, ये 250 रुपये में। ये 250 रुपये में पार्लर है जी। ये स्कर्ट बोल, ये सब स्कर्ट में है। ये सब यहाँ मेरठ से ही है और यहाँ स्कर्ट वगैरह मिल जाएंगे आपको 300 रुपये में और इसके जो है अपना ये 150 रुपये में। हाँ जी कहाँ से आए हो सर? हम यहीं के हैं। यहीं के ही हो? तो ये मैन्युफैक्चरिंग अपनी है क्या? अपनी है, खुद ही बनाते हैं, मिले करते हैं 22 साल से। 22 साल से मिले कर रहे हैं आप? अच्छा 2013 में सोनिया गांधी ने अवार्ड दिया। अच्छा जी 2009 में उत्तराखंड से अवार्ड मिला। अच्छा तो ये क्या क्या बनाते हैं आप? सारे आइटम बनाते हैं, सारे आइटम। ज्यादातर ये माला ही बनाते हैं आप? हाँ, गले के नेकलेस हैं, ब्रेसलेट हैं, कानों के रिंग हैं। अच्छा अच्छा सारे आइटम। तो मेरठ से ही आप? मेरठ के पास गाँव पड़े हर्रा खिवाई। अच्छा हर्रा खिवाई है। तो देखिए ये एक से एक मिल जाएगा आपको यहाँ पर। बारीक मोतियों के हार भी हैं, एयर रिंग्स भी हैं। और देखिए एक से एक वैरायटी है। ये सब रेट अलग अलग होगा? कितने से मिनिमम, कितने से स्टार्ट है और कितने से? मिनिमम है जी 50 रुपीज़ से लगा के और 600 तक। ठीक। तो अब हम वहाँ से निकल के आ गए वीर सिंह चिश्ते वाले पे। क्योंकि कार्यक्रम चल रहा है अभी, सब कुछ हमारे पावर में है लेकिन लाइव। तो ये हलवा रेस्टोरेंट आया हुआ है। तो अगला प्रोमो आप लोग के बीच में पेशा नाटक है। ये खूबसूरत सी नाटक वाले सैर कराई जा रही है। तो गाइस अब हम चल रहे हैं वापसी की ओर और अगले पार्ट में, लास्ट पार्ट में हम आपको दिखाएंगे बहुत कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।